मैहर वह स्थान जहां पर माता सती का हार गिरा था और उसी से यह बना है मैहर। मैहर में एक रेलवे स्टेशन भी है जो अत्यंत संकरा है, परंतु यहां ज्यादातर गाड़ियां रुक जाती हैं। आप मैहर दोनों ही रास्तों से जा सकते हैं, सड़क मार्ग या फिर रेलवे मार्ग, दोनों आपके लिए खुले हैं। यहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं, परंतु सबसे ज्यादा दर्शनार्थी नवरात्रि के समय आते हैं। दोस्तों, इस स्थान में आने के बाद आपको ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आपको 10 से 15 रुपए में मैहर ट्रस्ट एवं अन्नपूर्णा भोजनालय द्वारा भोजन उपलब्ध करवा दिया जाता है, लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि आप 15 रुपए का भोजन अन्नपूर्णा भोजनालय द्वारा करें। और रुकने के लिए आपको यहाँ अन्य तमाम होटल हैं, जैसे कि श्रीधाम यात्री निवास जैसे तमाम होटल्स हैं, लेकिन आपको यहाँ ऑनलाइन सुविधा थोड़ी कम देखने को मिलेगी। इसलिए मैं सजेशन करूँगा कि आप यहाँ आकर तुरंत बुक कर लें, क्योंकि बहुत से होटल हैं और आपको मिल जाएंगे। और हम पहुँच चुके हैं मैहर के मुख्य द्वार पर, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर और देखते हैं पूरा अंदर का नज़ारा। दोस्तों, माता शारदे के दर्शन करने के लिए आप सीढ़ियों तथा रोपवे मार्ग दोनों से जा सकते हैं। यदि आप सीढ़ियों से जाते हैं तो लगभग 1006 सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ेगी, और रोपवे से जाते हैं तो आपको, यदि आप 10 से अधिक वर्ष के हैं तो आपको 118 रुपये, और 3 से 10 वर्ष के यदि कोई बालक है तो उसे 71 रुपये का टिकट लगता है। हालांकि यह 3 वर्ष से कम आयु वाले लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के एकदम करीब, और ऐतिहासिक तौर पर कहा जाता है कि यह मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है, जो कि त्रिकूट पर्वत की 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 108 शक्तिपीठों में से एक यह पीठ सतयुग के प्रमुख अवतार नरसिंह भगवान के नाम पर नरसिंह पीठ के नाम से भी विख्यात है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर आलाखंड के नायक आल्हा व उदल दोनों भाई मां शारदा के अनन्य उपासक थे। पर्वत की तलहटी में आल्हा का तालाब व अखाड़ा आज भी विद्यमान है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम मां की पूजा आल्हा ही करते हैं, और उसके बाद ही अन्य लोग यहाँ पुष्प चढ़ाने के लिए आते हैं। रात्रि में यह मंदिर बंद रहता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। जय माता दी, जय माँ शारदी।